डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि यूनानी जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि आप पहले भी बता चुके हैं कि ये जड़ से बीमारी खत्म करता है, लेकिन एलोपैथी में सर्जरी होती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, इससे हम ठीक हो जाते हैं। यूनानी में ऐसा क्या विकल्प होता है? कोई थेरेपी या मेडिसिन ही चलती है सर? इसमें विकल्प ये है, पहली बात तो बहुत सारी डिजीज़ में कोशिश किया जाता है कि वो मेडिसिन से ही उसका इजाला किया जाए, मतलब ट्रीटमेंट किया जाए। जैसे कि अब स्टोन, आपको रीनल स्टोन हो गया, गुर्दे में पथरी हो गई, तो उसका आमतौर पे लोग बोलते थे तो भाई इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है, लिथोट्रेप्सी होगी और भी जो भी सर्जरी उसमें मौजूद हैं वो होंगी। लेकिन विदाउट सर्जरी आपका स्टोन निकल जाएगा, आप यूनानी मेडिसिन लें। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिसमें इलाज विद तदबीर, ये ट्रीटमेंट्स लें। इसके अंदर हिजामा है, लीचिंग है, कपिंग है, ये सब सारी थेरेपीज इसके अंदर आती हैं। जी ये आप अगर ठीक से इलाज कराएं तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी बीमारियां इन सब प्रोसेस से ठीक हो सकती हैं। एक लगातार नी रिप्लेसमेंट का जिक्र होता है। नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चाओं में है, बहुत लोग करा भी रहे हैं। क्या सिर्फ ये ऐसे ही कराया जा रहा है या यूनानी में इसका कारगर इलाज है, सिद्ध है इलाज की? हाँ, अगर आप यूनानी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेशक इसमें दोनों बातें सही हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, घुटने एकदम ख़राब हो जाते हैं, उसमें फ्रिक्शन होने लगता है ज़्यादा, तो कुछ केसेस में तो हकीकत में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें आप ढंग से यूनानी ट्रीटमेंट लें तो नी रिप्लेसमेंट से आप बच सकते हैं। अगर वक्त पे आप ट्रीटमेंट शुरू करें या वक्त पे नहीं भी कर रहे हैं तो आप उसका मुकम्मल इलाज करें, थोड़ा सब्र करें और उससे इलाज करें तो आप नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब, और ये जरूरत, ये जो इलाज होगा जब यूनानी से नी रिप्लेसमेंट का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इलाज कराएं तो आप बेहतर हो सकते हैं, कौन सी वो एज होगी कि आपको अब मेडिसिन का असर होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि घुटनों का दर्द आजकल हम यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ना, सांस फूलना, घुटनों में दर्द हो जाना, मसल्स में पेन हो जाना। ये ऐसा कोई एज फैक्टर कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, आप किसी भी एज के वक्त में आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप यूनानी ट्रीटमेंट जाएं लें, अपने अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, यूनानी फिजिशियन के पास, और उसका ट्रीटमेंट लें, आपको आराम मिलेगा। कोई एज फैक्टर का ऐसा कोई मैटर नहीं है कि हाँ बहुत 65 या 70 एज का कोई अगर है शख्स तो जी उसमें चांसेस हैं कि आपको सर्जरी या उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कोई एज ऐसा फैक्टर नहीं है। यानी अगर कोई यंगस्टर्स किसी बीमारी से पीड़ित है, अगर यूनानी में उसका इलाज है तो बेहतर है कि वो यूनानी से मेडिसिन अपनी चला सकता है ताकि उसे किसी सर्जरी की या किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े। बेशक यंग एज में तो सर्जरी जी करानी भी नहीं चाहिए, सर, आपकी इसके बॉडी अलावा एक और सवाल ये है कि आजकल हम बहुत नाम सुन रहे हैं, गोंद मोरिंगा, गोंद सिहा, क्या है ये, कितना इफेक्टिव है सर जी, ये? इसका तो बहुत ही एकदम जादुई असर है और इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया। आप आयुर्वेदा बास्केट में जाएं और इस सारे गोंद के, जो गोंद मोरिंगा हो गया, ये सहजना हो गया, ये सब के जो गोंद आ रहे हैं इन सब जिनके, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी।